स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश कैबिनेट के ताजा फैसलों पर स्वागत के साथ जताया विरोध। प्रदेश महासचिव ने जारी किया बयान। जी हां, जिला फतेहवा टोहारा में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने हरियाणा प्रदेश सरकार के कैबिनेट द्वारा ताजा लिए गए फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ फैसलों पर जहां विरोध जताया है, वहीं कुछ फैसलों को स्वागत योग्य भी बताया है। इसके बारे में पत्रकारों से वार्ता करते हुए संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कुमार ने इस पर अपनी बात रखी। प्रदेश महासचिव रमेश कुमार ने हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट के पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ाए जाने व बसों के किराए बढ़ाए जाने पर असंतोष जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी वस्तुएं महंगी की गई हैं, वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि मजदूर व कर्मचारी वर्ग पहले ही संकट झेल रहा है, वहीं बेरोजगारी का भी संकट झेला जा रहा है। ऐसे में ये कदम उचित नहीं है। इस तरह के कर से समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होंगी। इसका स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विरोध करते हुए कहता है कि इसके अलावा अन्य विकल्प अपनाए जाए। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव होने के नाते मैं रमेश कुमार, जो कल कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्री समूह ने जो फैसले लिए हैं पेट्रोल और डीजल को बढ़ाने के लिए, या जो बसों का किराया बढ़ाया गया है, या जो और चीज़ें महंगी की गई हैं, हम उनका विरोध ही करते हैं, क्योंकि पहले ही मजदूर वर्ग व कर्मचारी वर्ग संकट झेल रहा है या रोजगार का संकट झेल रहा है। इस प्रकार की कर लगाने से और महंगाई बढ़ेगी, जिसका हम विरोध करते हैं कि ऐसी चीज़ें न कर दूसरे विकल्प अपनाए जाएं सरकार द्वारा। लेकिन हम सरकार का स्वागत भी करते हैं, जैसे अप्रैल माह की सैलरी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कर्मचारियों की संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में वादा किया गया था, उसके लिए अप्रैल माह की सैलरी समय पर दी जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। जो डीए वगैरह काटने का या दूसरे एलटीसी वगैरह काटने का जो फरमान जारी किया गया था, उसका भी हम विरोध करते हैं। लेकिन हम एक जो स्वागत योग्य और कदम उठाया गया है सर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों का जो वेतन है, एक मुश्त वेतन की मांग थी हमारी, कि हम कह रहे थे कि एक योद्धा के रूप में हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या आम समाज की सुरक्षा के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं आज इस महामारी और वैश्विक महामारी के दौरान में, तो हमारा एक मुश्त वेतन किया जाए। इस कड़ी में सरकार द्वारा एक मुश्त बजट जारी किया गया है, जिसमें हमें उम्मीद बंधी है कि अब से आगे से हमारा एक मुश्त सैलरी नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की आनी शुरू होगी। यह कदम सरकार का नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की ओर से स्वागत योग्य है।